हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं अच्युतम पांडे, आप देख रहे हैं लाइव एक्सपोज। आज हम आ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के ब्लॉक 7 8th फ्लोर पे, जहाँ पे दीपावली मेला की तैयारियाँ जोरों शोरों पे चल रही हैं। तो आइए देखते हैं हम दीपावली मेला को शारदा यूनिवर्सिटी किस तरीके से मनाती है, सेलिब्रेट करती है। कई लोग, कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय देश के बच्चे यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं दीपावली मेला की झलकियाँ शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आ चुके हैं एक ऐसे स्टॉल पे जिसका नाम है चिट चैट, इन्होंने रखा है स्ट्रीट फूड, जहाँ पे कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने के सामान मिल रहे हैं। गोलगप्पे हैं यहाँ पे, पास्ता सलाद है, राम लड्डू है। तो मैं जानना चाहूँगा आप ही जो यूएसपी क्या है गोलगप्पे, बाहर भी बच्चे खा रहे हैं और यहाँ भी खा रहे हैं, तो कैसे उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, क्या कह के कर रहे हैं? यूएसपी है हमारी हाइजीन। हाइजीन जी हाँ, हाइजीनिक एकदम गोलगप्पे दे रहे हैं हम। और क्या है हमारी यूएसपी सर, बताओ? और हमारी ये है कि हम लोग एक काइंड ऑफ डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं अपने खाने से। जैसा आप देख सकते हैं रशियन पास्ता, हम यहाँ पे आए राम लड्डू, ठीक है? तो ग्लोबल चीज से लेके, और बिल्कुल अपना एथनिक रूट्स भी नहीं बोल रहे। ये हमारा यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी जो कहती है हमारे यहाँ 90 प्लस अंतरराष्ट्रीय देश के बच्चे पढ़ते हैं, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू, उसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बट दूसरी तौर पर राम लड्डू हम अभी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नजारा देखने को, तो बखूबी इंजॉय कर रहे हैं। आइए हम उनसे भी कुछ खा पाते। सौरभ है, मैं बीए पॉल साइंस सेकंड ईयर का। राम राम सबको। अच्छा सौरभ जी, ये मेला जो चल रहा है आपका दीपावली मेला, तो अभी तक शुरुआत से लेके अभी तक आप इसको एंजॉय किए, तो कैसा दृष्टिकोण रहा? लोग किस प्रकार के आ रहे हैं, कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, फेस्ट हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं, आप अभी तक उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किए? जैसा कि हम सुबह सुबह आ गए थे, हमने देखा कि चारों तरफ एक चकाचौंध लगी हुई है, और हम सुबह सुबह आते, हमने सारे स्टॉल्स में सारे गेम खेल लिए, सारे हार गए, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन अपने लोग हैं इसलिए कमाना भी समझ रहे हैं, इनके लिए मैंने इतना खर्चा कर दिया, अपने दोस्तों के लिए भी सब बहुत सारा कर दिया, सारे गेम खेल लिए, मस्ती चारों तरफ फैली हुई है, थोड़ा और मजा आ जाएगा। और कोई ऐसे में बम बम मार दे, पटाखे वटाखे, समझ रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप सब बच्चे कितना एक्साइटेड है, किस तरीके से दीपावली मेला को एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। आइए हम देखते हैं, कैमरामैन से निवेदन करते हैं कुछ हमारे अगले स्टॉल को। यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां नजर आ रही हैं, और अगर हम बात करें इनके स्टॉल की, तो मेराकी नाम है इनके स्टॉल का, इन्होंने मेराकी रखा है। और आइए हम बात करते हैं, और मैडम आपने अपने स्टॉल का नाम मेराकी रखा है, क्या कुछ ऐसा है जो सोच के आपने अपने स्टॉल का नाम मेराकी रखा? एक्चुअली ये मेरी और मेरी फ्रेंड का कंबाइंड स्टॉल है, तो सब ज्वेलरी का उसका है, तो अभी वो बिजी है, तो अभी वो आएगी तो वो एक्सप्लेन आपको ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। बाकी हम लोग यहाँ पे, हमारा जो थीम है वो थोड़ा मेले का थीम है, तो हमने ट्राई किया जो मेले में गेम्स होती है, हमने वो रखवाने की ट्राई करी, जैसे छोटी छोटी गेम्स होती है, बॉटल फ्लिप हो गया, मेक योर पेयर हो गया, वो हमने ट्राई किया इसमें इंक्लूड करने का, और वो पूरा दिवाली फील रखने की ट्राई करा है। अब काफ़ी डिफरेंट होता है, यू नो, घर पे तो हम हर साल दिवाली बनाते ही हैं, पर कॉलेज में दिवाली बनाने का एक मज़ा ही कुछ और है। अपने टीचर्स के साथ, फैमिली के साथ तो हम हर साल बनाते हैं, पर टीचर्स, फ्रेंड्स, यू नो, वी मिस ऑन टू दी स्मॉल थिंग्स दिवाली पर, क्योंकि छुट्टियां हो जाती है, हम घर चले जाते हैं, सब अपने अपने, सब अलग अलग हो जाते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमको मिला है, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर। हमने यहाँ पे ट्राई करा है इंक्लूड करने का एक गजरे वाले भैया को और एक दिए वाले भैया को, ताकि इंक्लूजन हो। यू नो, हम कहीं ना कहीं अपने इंडियन कल्चर, इंडियन रूट्स को मिस आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, तो उनको इंक्लूड करने से हमने ये दिखाया कि वो भी इक्वल है हमारे, उनको भी अच्छा लग रहा है, हमको ये गजरा पहना रहे हो, इतने प्यार से हमको हाथ में गजरा पहना रहे, इसने भी पहना है, मैंने भी पहना है, जैसा बोल रहे वैसा बना के दे रहे हैं, बालों के लिए भी बना कर दे रहे हैं, तो बहुत प्यार से, दिल से बना रहे हैं। जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो टोटली उनका, हमने उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया इसका, अफोर्डेबल प्राइस रखा है, ताकि सारे कोई आ सके, खेल सके, ले सके, सारे लोग गजरा पहन सके। हमने डीन मैम से पूजा करवाया। मैडम मैं बस ये जानना चाहूंगा, जब इस तरीके की तैयारी हम छोटे घर पे दीपावली का आयोजन करते हैं, तो हमें बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरीके का आयोजन करते हैं, जहां पे 20,000 से ज्यादा बच्चे हों और 90 प्लस अलग अलग देशों के बच्चे रह रहे हों, तो उस चीज पे आपकी क्या मानसिकता रहती है, कैसे तैयारियां होती होंगी, क्योंकि वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है शुरू से लेकर अंत तक चीजों को मैनेज करना, तो वो कहां पे, कैसे आप क्या करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे?
इसका जवाब ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं वो कैसे जानेंगे हमारे कल्चर के बारे में, ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करके हम कैसे कपड़े पहनते हैं अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे, हम कैसी पूजा करते हैं, हम कैसे एक यूनिटी में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कस्टम्स है, तो हम सबके कस्टम्स को सेंसिटाइज एंड हम सेंसिटिविटी रख रहे हैं यहाँ पर। हर किसी को यहाँ पे इन्वॉल्व करा जा रहा है, हर किसी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हर रिलीजन के बच्चे यहाँ पे पूजा में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ सेलिब्रेट करके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है हमारे कल्चर के बारे में जानने के लिए, वो स्पेशली इंडियन कपड़े खरीद कर पहन कर आए हैं, एथनिक वे में ड्रेसअप होकर आए हैं, वो गजरा पहन रहे हैं, वो यहाँ का खाना खा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये छोटे छोटे जो इनिशिएटिव होते हैं वो हमारे हमें वर्ल्ड वाइड पर यू नो कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा इनिशिएटिव था और हमारा जो यूनिवर्सिटी हमको ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके पास ना दो बेहतरीन गेम रखे हुए हैं एक्साइटमेंट के लिए, जो एक्साइटमेंट की एक्साइटमेंट को दीपावली मेले को चार चांद लगा देते हैं, तो मैं एक बार बताऊं। हाँ जी, सो एक तो हमारा बॉटल फ्लिप है, अभी एक डाइस उन्होंने खो दिया है, वो ढूंढ रहे हैं, तब तक हम बॉटल फ्लिप करके दिखा देते हैं, आप ही करके ट्राई करिए। नहीं नहीं, आप करिए। मैं तो बहुत खराब हूँ, सागर करके दिखाएंगे बॉटल फ्लिप, करिए। हो गया। छोटे हमने गेम्स रखे हैं अफोर्डेबल प्राइजेस पर, ताकि मेले वाली फील आए और सब कर पाए, ऐसा ना हो किसी पे बर्डन हो, तो ऐसा हमने सोचा। तो हर चीज का पैरीमीटर इन्होंने सेट किया है हर चीज को, कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर चीज इंटरनेशनल बच्चा हो हमारा या नेशनल बच्चा हो, बात करें हम कंट्री की डाइवर्सिटी की, ग्लोरीफाई की, तो हर चीज को देख के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने को ध्यान में रखते हुए चीजों को ग्लोरीफाई किया है। थैंक यू मैम एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल दीपावली। थैंक यू फॉर हैविंग टाइम विद अस। बच्चों की तादाद आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है और हम आ चुके हैं हमारे एक दूसरे स्टॉल पे, जहाँ पे एक बेहतरीन पेंटिंग का नजारा देखने को मिल रहा है। मैडम आपका नाम? सृष्टि रॉय। आपका जो स्टॉल है, आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना रही है, उसका नाम मैं जान सकता हूँ स्टॉल का? हमारे स्टॉल का नाम है अनारकली डिस्को चली। अनारकली डिस्को चली, वाह बहुत बेहतरीन नाम है, उससे बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा जूम करके एक बार दिखाएं दर्शकों को। मैडम अभी तक ये जो आप पेंटिंग कर रही हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरीके की फेस्ट में ये पेंटिंग को प्रमोट करना और दीपावली मेले के टाइम, तो आप अभी बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चों से भी मिली होंगी, उनके लिए भी पेंटिंग बनाई होंगी या कुछ, तो बहुत सारी चीजें फेस की होंगी आप, तो उनको इस पेंटिंग के साथ दीपावली मेले में क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं आप? सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर कोई भी बच्चा हो किसी भी एथनिसिटी का, आर्ट एक चीज़ है जो सबको एक साथ कंबाइन करके रखती है, उसमें कोई रिलीजन कास्ट ये सब इन्वॉल्व नहीं होता है, रिलीजन कास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आई थिंक कि आर्ट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस वंस इमोशन, तो इसीलिए मैं सबके लिए ये फ्री लाइक नॉट फ्री बट एक इनिशिएटिव लिया है कि सबको अपने अपने आप को एक्सेसराइज करने का मौका मिलना चाहिए थ्रू आर्ट, तो मैं वही कर रही हूँ। एंड आई थिंक कि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई समझ नहीं पाएगा, अब चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो वो भी पेंट करवा सकते हैं, दे ऑल्सो हैव दैट कि हाँ हमें ये डिज़ाइन करवाना है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू गैदर एनीवन। ओके थैंक यू सो मच। लेकिन दीपावली हर साल हम लोग मनाते हैं, घर पे मनाते हैं, बाहर मनाते हैं, दोस्तों के साथ मनाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ये वाली जो है दीपावली है, ये कुछ क्या खास है आपके लिए, क्या डिफरेंट है, क्या करना चाह रही हैं इस पे? एक्चुअली जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था, इससे पहले पूजा हुई थी, आरती हुई थी, तो इट जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, हम सबसे नहीं मिलते, बट इट फेल्ट लाइक कि हाँ हम लोग एक घर में, घर वाली जैसी पूजा होती है वैसे हुई है, तो एक तरह से हम ये एक वो एलिमेंट है जो सारे बच्चों को एक साथ यूनाइट करता है। ऑब्वियसली शारदा जो है, हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ हियर, तो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सब एक साथ आते हैं, सब एक रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डीन मैम ने भी कहा था कि कोई भी रिलीजन इरिस्पेक्टिव, वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, वो सारे एक साथ आए हैं, सब ने आरती की, आशीर्वाद लिया, और वो सबसे बेस्ट थिंग थी इस इवेंट की, वो सबसे बेस्ट थिंग चीज़ थी इस इवेंट की, तो आई थिंक कि ये वाली ना स्पेशल थी, क्योंकि एक फैमिली हमारी आउटसाइड भी है घर के, तो यही। तो आप देख सकते हैं इनको बिल्कुल ये ऐसी वाइब क्रिएट कर रखे हैं, इनको बिल्कुल घर की कमी महसूस नहीं हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी को ये अपना घर बना बैठे हैं। आइए देखते हैं ऐसे कुछ और लोगों से मिलते हैं हम, क्या विचार है उनके, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए लेते हैं और तमाम जानकारियाँ। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम की कन्वेनर सुहानी जी मौजूद हैं,
सुहानी जी, अभी आप डिफाइन कर रही थी कि आप शारदा यूनिवर्सिटी में एक बाहर से फ्लावर वाले आए हैं, फ्लावरिस्ट आए हैं जो आपको ये बना करके दे रहे हैं गजरा, तो आप ना एक बार मुझे बताएंगी हमारे दर्शकों को कि बेसिकली ये है क्या, क्या शो करना चाह रही हैं आप इस मेले में इसको लगा करके? सो हमारा सबसे पहला जो रीज़न था ये गजरा बनवाने का वो यही था जो मैंने पिछली बार ही बोला था, कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन रूट्स को भूल रहे हैं। हमारे घरों में दिवाली बिना फूलों के, हमारे घरों में दिवाली बिना फूलों के, बिना दियों के नहीं बनती है। और आजकल क्या हो गया है, दिवाली पर लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, वो भी है, बट अपने कल्चर को, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा ये रीज़न था और हमें इंक्लूड करना है सारे डायमेंशंस के लोगों को इसमें। एंड एक और रीज़न है, हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताना है, डिफाइन करना है कि हम अपनी दिवाली कैसे मनाते हैं। एंड जैसा उन्होंने भी बोला, अभी मैंने उनसे बात ही करी थी तो उन्होंने बोला उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यू नो छोटे बच्चे हैं, वो एनवायरनमेंट देख रहे हैं कॉलेज का कैसा एनवायरनमेंट होता है। तो आइए फिर हम एक बात करते हैं, भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। आप परमानेंट बाहर काम करते हो, फिर यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ नया लग रहा है यहाँ पे? क्या क्या कैसा महसूस कर रहे हो? बाहर धूप में बैठे रहते थे, यहाँ सीलक में है। अच्छा, यहाँ बाहर धूप में बैठे रहते थे, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ? और वैसे तो हमें बहुत बढ़िया लगा। अब बच्चे कैसे हैं शारदा यूनिवर्सिटी के यहाँ पे? बहुत बढ़िया। और ये मैडम आपकी? ये भी। अच्छा ठीक है। सुहानी जी, अभी हम बात करेंगे ना तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर चला गया है, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दैट कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आए धीरे धीरे करके। तो दीपावली अभी आई नहीं है, उससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स का इतना ऊपर जाना अचानक से, तो ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय होता जा रहा है। उस विचार को, उस अभी इस मेले में आपका उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के ग्रीन एंड क्लीन दीपावली गवर्नमेंट कह रही है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी आप कुछ प्रमोशन या ऐसा कुछ मैसेज कन्वे कर रही हैं अपने इस इवेंट के थ्रू? अभी ऐसा है, हम लोगों को पहले बता रहे, हाँ ये ऑब्वियसली बात है दिवाली है तो फिर हम ये मैसेज तो कन्वे करेंगे ही, और साथ ही हमारा एक और मोटिव है, जो पोल्यूशन फैल रहा है हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, जो प्रिकॉशंस दे सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, क्रैकर्स नहीं जलाना, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम स्टेप्स दे सकते हैं। ऑलरेडी पोल्यूशन इतना बढ़ ही चुका है, परालियाँ जल रही है जैसे पंजाब में हम जानते हैं, वैसे जो रेंज होता है परालियों से इस साल उससे कहीं गुना ज़्यादा परालियाँ जली है, तो अब कॉम्पनसेट करने के लिए हम कम पटाखे जलाए तो बेटर है। एंड वैसे भी दिल्ली में तो पटाखे बैन है ही जैसा हम सब जानते हैं, तो यही छोटे छोटे स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने जिसके थ्रू हम पोल्यूशन को कम करवा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कंट्री को। हमसे बात करने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी की आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि शारदा यूनिवर्सिटी में हम ऐसे और भी प्रोग्राम आप कराती रहें, हम आपसे मुलाकात करते रहें और अपने दर्शकों को जागरूक और सचेत करते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लाइव एक्सपोज। मैं अच्युतम पांडे।